देखे कि रोजगार पर कुछ बात ही नहीं किए हैं, बाकी जो भी बात उनका था मेन मुद्दा था वो मंदिर मस्जिद और इस सब को लेकर ही मुद्दा था, लेकिन सिर्फ लालू जी लालू जी लालू जी, तो लालू जी के नाम सुनते सुनते कान लोगों को बहरा हो गया। राशन वो अपने बाप के घर से देता है, दूगो लोग को तो खिला ही नहीं सकता, पूरे देश को क्या खिलाएगा। हर बात पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद क्यों आता है, बोल रहा है मंदिर सिर्फ मोदी जी आते हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद करवाते हैं। हमको तो 10 साल में कोई रोजगार नहीं लगा है, रोजगार की बात करते हैं तो हमको लग रहा है 1% भी रोजगार नहीं है, सिर्फ यहाँ राम मंदिर और मंदिर मस्जिद की बात चला पूरे अथी में 10 साल में। अगर मैं बनवा दूँ ये रीगा चीनी मिल और मंदिर तो भाई हमें बना देंगे MPA। जय जय श्री राम कहने से नहीं होगा, रोजगार देना बहुत ही जरूरी है, 10 साल से यही देखता है ओनली धर्म के नाम पे ही वोट बैंकिंग होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए तो अभी मंदिर मस्जिद की बात करेगा है, यहाँ से पूरा इंडिया को तो बेच करके खा गया हूँ। वो गाय के माता मानती है, माता को कटवा कटवा कर 250 करोड़ चंदा ली है, तो माँ के ही कटवा कर 250 चंदा ली, तो इनसे पूछिए क्यों चंदा ली है। जो सरकार बनेगी ना तो भारत के पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो जेल में बंद रहेगा, हमारा ये दावा है। सीतामढ़ी में अमित शाह ने अभी मन साझा किया है, बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, देवेश चंद ठाकुर के हक में यहाँ प्रचार प्रसार किया गया, वोट मांगने का काम किया गया। मन साझा करने के बाद यहाँ के जो युवा है वो आपस में भिड़े हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ चला। क्या क्या है बाबू, क्या नाम है आपका, बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है? संतोष भंडारी। क्या देखा है आपने, क्या सुना? मैंने तो रिगा से आता हूँ, मेरा घर रिगा है, ये चीनी मिल चालू कराने के लिए बात क्या है, हम लोग को बहुत खुशी की बात है, अगर रिगा सुगर कंपनी चालू हो जाए तो वहाँ 45,000 किसानों को जो अभी बेरोजगार हो गए हैं, जो कि शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बहुत काफी कठिनाई हो रही है, अगर चीनी मिल चालू हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। युवा बेरोजगार है, एक युवा बेरोजगार कहाँ है, यहाँ तो लोग खाइए रहा है, कमाइए रहा है, तो बेरोजगार किस बात का भाई, सब तो काम करिए रहा है, कौन भूखे सोता है बताइए, 1% भी लोग कोई भूखे सोता है क्या, बताइए। क्या नाम है? रवि कुमार सोनी। क्या आए थे यहाँ, क्या देखा आपने? अमित शाह जी को देखने आए हुए। क्या देखा? देखे कि रोजगार पर कुछ बात ही नहीं किए हैं, बाकी जो भी बात उनका था मेन मुद्दा था वो मंदिर मस्जिद और इस सब को लेकर ही मुद्दा था, लेकिन मेन तो बात है रोजगार का, हम लोग युवा है तो रोजगार होना चाहिए ना, जबकि रोजगार पर तो रॉ वर्ड भी नहीं बोले रोजगार को लेकर, तो ये थोड़ा रोजगार का रॉ भी नहीं बोले, सिर्फ मस्जिद मंदिर की बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको, आप लोग वोट देने के लिए क्या करेंगे? वोट वैसे आदमी किसी पार्टी को देख कर वोट नहीं देना चाहिए, किसी पार्टिकुलर जो इंसान है उसको देख कर देना चाहिए ताकि हमारे लिए काम करे, ऐसा नहीं है कि पार्टी मंदिर मस्जिद से कुछ होने जाने को है नहीं। हाँ। इसलिए ऐसा का ऐसा नेता ऐसा जो आदमी हो उनको चुनना चाहिए जो हमारे हित में बात करे, हित में बात करे। जी बिल्कुल, मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर, मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होने वाला, विकास होगा ऐसा नहीं, उससे पर्यटन क्षेत्र का, जैसे अभी हम खुद कुछ दिन पहले अयोध्या से आए तो वहाँ पर डेवलपमेंट का विकास हो रहा है, तो लेकिन हम हाँ दोनों चाहे दोनों होता और बेटर है, बेटर कुछ और लोग हैं उनसे बात करें। बाबू इधर इधर क्या कर रहे थे आप, बताइए। नहीं ये बोल रहा है इसको सिर्फ सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। हाँ सबको, हर बात पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद क्यों आता है, बोल रहा है मंदिर सिर्फ मोदी जी आते हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद करवाते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं करते, मंदिर और मस्जिद गठबंधन करवाते, जो तेजस्वी यादव है ना वो मंदिर और मस्जिद करवाते हैं, मोदी जी ने मंदिर मस्जिद नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। अच्छा क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है? उनका कहना है कि तेजस्वी यादव मंदिर मस्जिद करवाते हैं, मोदी जी नहीं करवाते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ जो है लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार की बात होना चाहिए, रह गया यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कोई भूखे नहीं सोता है, यानी भूखे सोने की बात नहीं है, रोजगार हमको गवर्नमेंट रोजगार चीज देनी चाहिए ना, अब लेबरों में कमा के लोग खा पी रहा है सो रहा है, ऐसा रोजगार नहीं होना चाहिए हमको, रोजगार पर्सनल रोजगार गवर्नमेंट ही रोजगार होना चाहिए, अच्छा रोजगार, अच्छा रोजगार होना चाहिए, जिससे हम जो मतलब पकौड़ा बेचने को भी रोजगार कहते हैं, ऐसा कोई रोजगार नहीं होना चाहिए हमको, कुछ लोग ऐसा ही बात करते हैं, तो हमको मंदिर में से सरकार की कोई बात नहीं है, समझे? मंदिर यहाँ रोजगार होना चाहिए हमको, बस यहाँ जो युवा है वह रोजगार चाहता है, नरेंद्र मोदी जी रोजगार दे, समझे? बस यही बात है। इतने साल में क्या रोजगार दिया, 10 सालों में क्या दिया? हमको तो 10 साल में कोई रोजगार नहीं लगा है, रोजगार की बात करते हैं तो हमको लग रहा है 1% भी रोजगार नहीं है, सिर्फ यहाँ राम मंदिर और मंदिर मस्जिद की बात चला है पूरे अथी में 10 साल में, रोजगार की बात कहीं कभी नहीं चला है आज तक। आज ही हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए तो अभी मंदिर मस्जिद की बात करेगा है यहाँ से, वह कुछ हाँ कुछ नहीं। जय जय श्री राम कहने से नहीं होगा, रोजगार देना बहुत ही जरूरी है, यहाँ के पब्लिक नए युवक जो भी है 10 साल से यही देखता है ओनली धर्म के नाम पे ही वोट बैंकिंग होगा, हमारा कहना जब तक बीघा चीनी मिल जैसे बोले कि बीघा चीनी उजागर होगा, आज नहीं इससे पहले भी अभी आए हुए, इससे पहले बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, लेकिन रोजगार अभी तक उन लोगों को रोजगार की बात की चर्चा नहीं हुई, आपका तो मुंह बंद हो गया, क्या नहीं ये बोल रहा है, हमें खाली गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, जो कमा को खा रहा है नहीं, आपको रीगा चीनी चाहिए, गवर्नमेंट का ही जॉब है, वो प्राइवेट चीनी मिल चालू होगा, लिमिटेड भी नहीं हुआ, प्राइवेट हो गया, चालू होगा।
बंद हो गए। अभी अमित शाह थे बोले थे कि रीगा चीनी मिल चालू होगी, 5 साल 7 साल हो गए, कितने मंत्री आए कितने चले गए, सिर्फ धर्म राष्ट्र के बारे में बात होती है। जय श्री राम। जैसे कहते यहाँ का चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे और पता नहीं चाय बना कि नहीं बना उनका। मोदी जी बोल रहे थे जी, पिछले बार आए थे तो मोतिहारी में क्या हुआ था कि यहाँ का चीनी मिल का चाय पियेंगे, अभी तक चीनी मिल चालू नहीं। एक और लोग क्या कहते हैं, वो क्या क्या चल रहा है, ये लोग ये सब कह रहे हैं कि अनाज मिल रहा है और क्या क्या और क्या था, और अनाज खा के अपना डोले बना लिए हैं, बताइए क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह जी आए तो उनके वजह से उनका भाषण सुन के हम लोग को अच्छा लगा, और हम लोग को देवेश चंद्र जी ठाकुर हम लोग के लोकसभा से यहाँ से संसद बने खड़ा है, तो हम लोग चाहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अच्छे प्रत्याशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर इनका कहना है कि जो यहाँ पर अमित शाह जी आए थे वो रोजगार की बात नहीं किए, युवक जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहा है उसकी बात नहीं किए, बाकी चीजों की बात किया है उन्होंने, लेकिन रोजगार की भी बात करना चाहिए उनको। तो नहीं दे सकते ना भैया, मान लीजिए एक घर में 10 आदमी तो 200 आदमी को तो मतलब सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, उसके लिए तो कुछ अपना भी रोजगार करना पड़ेगा, व्यवस्था हो तो वो धीरे धीरे होगा ना। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहा, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है, और देखिए सर मतलब 15 साल कुछ चीजें मतलब की ठीक ठाक हुई है, ऐसा बात नहीं से ठीक नहीं हुई है सर। मेन मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए सर, है ना, बात नहीं हुआ उस पर, बात ना के बराबर हुई है सर, है ना। आप पूछिए शिक्षा पर, हमसे पूछिए स्वास्थ्य, पूछिए क्या है स्वास्थ्य के बारे में तो बताया थोड़ा देर पहले, आज से 15 साल पहले यही सदर अस्पताल में कुत्ता डुकता था, आज देखिए कितना अच्छा व्यवस्था हो गया सदर अस्पताल में, हर चीज लाइट का व्यवस्था, सफाई का व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था बढ़िया हो गया। बताइए सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए सब है, बना है कि नहीं, बन रहा बन रहा, कहाँ बन रहा है, बन रहा है मेडिकल कॉलेज, पूरा बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन गया, दरभंगा में एम्स बन गया, समय दीजिएगा तब ना बनेगा, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं एम्स बन गया है, बताए है कि नहीं, कह रहे थे सर भाषण में कि दिल्ली का एम्स बन गया है, अब बहुत सारे लोग पत्रकार आपके जैसे ही पत्रकार लोग गए थे वहाँ पे तो कह रहे हैं एम्स, हम तो एम्स देखने आए हैं, पूरा खाली के खाली जगह है सर, चौड़ी है वहाँ जी, चौड़ी है वहाँ क्या, चौड़ी है, हाँ चौड़ी है, पानी उनी सा है ना, कहा तो अच्छा मुँह देख रहे हैं आप, कुछ बोलिए नहीं रहे, क्या क्या पूछना है आपको, क्या देखा आपने रैली में, शाह जी आए, अमित शाह जी गरीबी पर बात नहीं किए हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं किए हैं, बीमारी पर बात नहीं किए हैं, सिर्फ लालू जी का ही और क्या कहते हैं राहुल गांधी जी का ही नाम जपे हैं, जैसे उनको तो ये बात पर ना बेरोजगारी पर बोलना चाहिए, दवा पर बोलना चाहिए, बेबस्ती पर बोलना चाहिए, तो सिर्फ लालू जी लालू जी लालू जी, तो लालू जी के नाम सुनते सुनते कान लोगों को बहरा हो गया, फिर वही बातें सिर्फ लालू जी उनको चार अति पर है, मतलब खाली लालू का विरोध करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, विकास की कहाँ बात की है, कहाँ कहें कि हम बेरोजगारी हटा देंगे, नौजवान को नौकरी देंगे, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा करेंगे, इस पर कहाँ बोले हैं। रीगा चीनी मिल हम लोगों को जैसे किसान का रीढ़ है, जैसे यहाँ बोले हैं कि अब खुलवा देंगे चीनी मिल, तो बहुत बार बोले थे, सब लोग बोलते हैं नीतीश कुमार जी कितना दिन से कहते हैं खुलवा देंगे, नीतीश कुमार जी के रीजन में तो जैसे बंद हुआ बंद हुआ, क्या कहते हैं आप, कि हम लोग को चीनी मिल खुलना चाहिए सबसे पहले, 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है ना आपको, 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा, क्या हुआ 5 किलो राशन से, 5 किलो राशन से पेट पेट नहीं भरता है, 5 किलो राशन से कुछ नहीं, राशन वो अपने बाप के घर से देता है, राशन राशन जो है शुरू से केंद्र सरकार दे रहा है, हाँ और वो क्या, वो राशन 2 लोग का तो खिला ही नहीं सकता, पूरे देश को क्या खिलाएगा, क्या नाम है, मेरा नाम MD नूरुल, पढ़े लिखे हैं जी, कितना पढ़े, 5 क्लास, कितना, 5 क्लास, 5 क्लास पढ़े हैं, तो कैसे पता लग गया आपको कि पूरा जिंदगी राशन दिया है लोगों ने, वो अपने बाप के घर से नहीं दे रहे हैं, हाँ तो क्या राशन वो क्या वो दे रहा है, अपने पैसे का दे रहा है, उधर साला लगा बटोरने में कि कैसे इंडिया को खोखला कर दे, और वो क्या नहीं घुमा होगा, और इंडिया क्या उसके बाप का बाप भी इस इंडिया को नहीं बदल सकता है, और वो आकर के भाषण करता है कि हम यह कर देंगे वह कर, सारा पूरा इंडिया को तो बेच करके खा गया, पूरा इंडिया को बेच करके खा गया, और क्या वो क्या करेगा, वो कैसे बेच के खा गया, क्या खा गया, क्या बेचा बताइए,
अच्छा अच्छा हवाई अड्डा को देखिए बेच करके खा गया। दिखा रहे हैं यार। हाँ, चल रहा है अभी, लाइव चल रहा है, बताइए। और सबसे पहले उनको बेरोजगारी पर बात करना चाहिए, बहुत बेरोजगार जो है यहाँ पर है। खेत को पानी मिलना चाहिए हाँ। को पानी मिलना चाहिए, कहाँ जो है कहीं जो है बांध बनवाते हैं, कहाँ कहीं नहर खोदवाते हैं, फिर जो है भाषण देते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं कि जय श्री राम जय श्री राम। हम राम का विरोधी नहीं है, राम का पूजा करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भी करना चाहिए। उनको खेत का पानी का व्यवस्था करना चाहिए, नल जल तो बेकार है, नल में पानी नहीं आ रहा। पानी आ रहा है लेकिन गांव में मारपीट होता है, पानी निकलने का नाला नहीं है, रोड पर पानी हो जाता है, इस सबसे बहुत समस्या है। हम लोग कौन टीवी पर देखेंगे, हम अभी चल रहा है लाइव, चल रहा है सीतामढ़ी डांस पर लाइव चल रहा है। सीतामढ़ी का हाकी मार रहे हैं, इधर बोलिए ना, काहे हाकी मार रहे हैं, क्या देखा? अमित शाह आए थे, क्या देखा आपने बताइए? बहुत ही अच्छा भाषण ने दिया उसने, उनकी बात सुन के भाषण से कुछ पेट उठ भरा है कि ना? बिल्कुल भरा है। कहाँ भरा है? पेट खाली लग रहा है क्या? हैं, भाषण सुनने से कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ में आया है? जी, बहुत समझ में आया है, बताइए। समझे उनका बात सुनकर के, मतलब कि अब बिहार में जो है तरक्की होगा बिहार जी में? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, पहले हिंदू है, पहले हिंदू है, सही कह रहे हैं भैया, पहले हिंदू, पहले सब भारतीय है, पहले हम देश के नागरिक है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान है। पहले देश के नागरिक है, बाद में हम हिंदू या मुसलमान है। सुनो, कोई कहे हम हिंदू है, कोई कहे मुसलमान है, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय, पहले हम इंडियन है, भारतीय संविधान है। ये कह रहे हैं कि पहले हम हिंदू है, बाद में इंडियन है। मेरे कहने का मतलब, पहले हम हिंदू है, इंडियन है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। पहले हम भारतीय है, पहले हम देश का पहला नागरिक है, तब हम बाद में हिंदू मुसलमान है। मेरा मानना यही है, नहीं बोलिएगा कुछ और लोग इधर आइए भैया, क्या कह रहे हैं यहाँ सुने हैं, यहाँ क्या सुने? बहुत अच्छा समझ में आया, जो भी बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं। अच्छा बोले हैं जी, विकास उकास कुछ होगा? होगा कहीं नहीं, खाली मुंह से चला चला। नहीं नहीं, विकास होगा, पूरा होगा और पूरा देश का होगा। मोदी जो 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 चाहते हैं वही करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चीनी मिल वगैरह खुलेगा कि नहीं खुलेगा? तो बोले हैं तो खुलेगा, खुलेगा जी, बिल्कुल खुलेगा। चलिए ठीक, उनकी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। आप क्या काम करते हैं? हम तो फेरी का काम करते हैं देहात में, क्योंकि फेरी मारते हैं भाई। क्या फेरी मारते हैं? बहुत हो रहा है, हर गरीब के सामान बेचते हैं, सामान बेचते हैं। अच्छा ठीक, आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू जी, जी सर, जी जी, क्या देखा है आपने यहाँ रैली में? क्या समझ रैली में हमको बहुत कुछ समझ में हाँ। जी, हमको भाषण इनका अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। तो भाषण सुनने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा बहुत हुआ, फायदा हुआ? फायदा क्या होना चाहिए, यहाँ को पैसा लेने हम लोग थोड़े आए थे, फायदा के लिए नहीं आए थे। हम अपने SSB अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम था यहाँ, है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग आए थे। हम लोग उनका चौकीदार है जी, इसलिए हम लोग आए थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या काम करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं और संगीत से भी जुड़े हुए हैं। कहाँ घर है आपका? आसोपुर, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, सीतामढ़ी। जी, अच्छा, शिवहर रीगा में जो चीनी मिल है, उन्होंने कहा कि भाई बंद है, हम चालू करवाएंगे, तो क्या लगता है आपको, चालू होगा? जरूर होगी चालू, काफी दिनों से मशीन बंद है, पूरा में जंग लग गया मशीन में, तो चालू होगा? सरकार की कामना है, हमारा थोड़े काम है, जंग लगा हो उनका कामना है, करना है क्या? वादा किए हैं तो पूरा करेंगे, पूरा करेंगे जी, जरूर करेंगे। 15 लाख रुपया आया आपके खाता में? क्या 15 लाख रुपया बोले थे प्रधानमंत्री जी? कौन बोले? जुमला था, अमित शाह बोले थे 15 लाख देंगे। देखिए, पैसा का हमको कोई बात, विकास चाहिए हमको बस, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, सबको कमाना है। आप गरीब है या अमीर है, कमाना सबको है, है कि नहीं? पैसा का कोई बात नहीं, हमको विकास चाहिए। कर्म कीजिएगा, फल आपको अपने आप मिलेगा। हमको विकास चाहिए, मेरा देश। कर्म कीजिएगा, फल अपने आप मिलेगा। मिलेगा ही कैसे? मिलेगा? काम पहले अपने खुद से करिएगा, तभी कोई भी पार्टी आपको। सुनिए, अभी इलेक्शन का मुद्दा है अपना, जो उनको दायित्व मिला हुआ। अभी देखिए, सीतामढ़ी में आप, सीतामढ़ी में अभी देखिए, अर्जुन राय जितना मेहनत कर रहे, हर जगह घूम रहे हैं, जहाँ तक उनके 2009 में जो बने थे संसद, उसके खिलाफ वहाँ काम हुआ सीतामढ़ी में, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। वो मेहनत नहीं कर रहे हैं यहाँ भैया, देखिए यहाँ वोट लेंगे, सुनिए, वोट लेंगे आराम से, समुद्र किनारे मुंबई में उसका घर है, आराम से वहाँ पड़े रहेंगे। काहे लगता है आपको मुंबई में जाएं? वोट लेके काम करेंगे यहाँ पे, थोड़ी होता है? नहीं नहीं, उसको बड़ा पार्टी है, उसको पैसे वाला पार्टी है, गरीब आदमी जो मेहनत करेगा वही काम करेगा।
दूसरा कोई काम नहीं करेगा। गरीब आदमी चोर नहीं होता? नहीं नहीं सवाल ही नहीं, वो मेहनत से कमाता है। अच्छा, क्या कहते हैं आप बताइए, चश्मा उस्मा लगा के एकदम टाइट जी, बोलिए क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देता हूं। बहुत आ रहे हैं उस टाइम से, नहीं फ्रेम में आ नहीं रहे उस समय से जो चर्चा हो रहा है, उस टाइम रिजल्ट निकला बताइए। रोजगार की बात चल रही थी तो भाई साहब एक मेरे थे यहीं के, तो बता रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही। ठीक है, मैं उस बात पे नॉर्मल, मैं अपनी सीतामढ़ी की, मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिला की बात कर रहा हूँ, मैं सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे सीतामढ़ी कॉलेज में, हमारा सीतामढ़ी जिला बहुत पिछड़ा हुआ था, यहाँ तमाम पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, मेरे भाई से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सीतामढ़ी जिला मेरा बहुत पिछड़ा हुआ था, अनेकों नेता आए, राजनीति की धर्म के नाम पे वोट लेके गए, लेकिन सीतामढ़ी का विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, ठीक है, और जो भी नेता यहाँ पे, हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन राय जी भी आए, वो भी काम किए, तो जो भी, खासकर मोदी जी का योगदान है हमारे सीतामढ़ी जिला का, सबसे फर्स्ट रोजगार की बात उन्होंने किया था, तो शिक्षा के मामले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला सीतामढ़ी जिला को। ठीक है, सेकेंड कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कहाँ पे बनाया? वो गाँव का नाम क्या है, मुरादपुर के बगल में, मुरादपुर के गाँव का नाम अभी माइंड से उतर रहा है, गोसाईपुर में, हाँ गोसाईपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। सेकेंड, आप उधर से आते हुएगा मुजफ्फरपुर साइड से देखिएगा, लंगवा में मेडिकल कॉलेज सीतामढ़ी बन रहा है। ठीक है, और थर्ड जो है एक केंद्रीय विद्यालय में जो बना था, वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना था जी, तो वो शाहिद अली खान जब मिनिस्टर थे यहाँ पर उस समय, शाहिद अली खान मेरे गांव के ही है सर, अख्ता गांव मेरा हुआ और शाहिद अली खान मेरे गांव के ही है, शाहिद अली खान का भी बहुत बड़ा योगदान था, खासकर उनका जो इंजीनियरिंग कॉलेज देना, खासकर उनका अहम योगदान है उसमें। कितने यहाँ में बनाया है, बिल्कुल जानीपुर में बनाया है, कई कॉलेज उन्होंने बनाया, बिल्कुल, और हमें लगता है कि वैसे मिनिस्टर या वैसे विधायक आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। अब बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन आप सीतामढ़ी जनता जो है एक उम्मीद की किरण, खासकर हम लोगों ने अर्जुन राय जी को भी जिता कर देखा है ना, और सबसे फर्स्ट बात कि हमारे सीतामढ़ी जिला में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं होती थी, एक भी कॉलेजों में पीजी वगैरह नहीं होती थी, यहाँ तो अधिकांश प्राइवेट कॉलेज ही है, और यहाँ शिक्षा के मामले में देखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, साथ साथ पीजी की भी पढ़ाई की यहाँ व्यवस्था हो गई है, साथ साथ यहाँ केंद्रीय सेंट्रल स्कूल भी बन रहा है, केंद्रीय विद्यालय भी बन रहा है, उसके लिए भी जगह का अपना सिलेक्शन कर लिया गया है, केंद्रीय विद्यालय भी बनेगा। रही बात रोजगार की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर रोजगार लेती है, ठीक है नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार थी, लेकिन रोजगार के मामले में आप जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे ही होइएगा कि अभी बिहार में बीपीएससी टीचर बहाली हुई है, ठीक है, कम से कम तकरीबन 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। इस 3 लाख शिक्षकों में तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं हम दिए हैं रोजगार जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि मैंने रोजगार दिया, तो भाई मेरा कहने का मतलब है, तेजस्वी यादव एक तो सबसे पहले वाइस चीफ मिनिस्टर है थे हमारे बिहार के, साथ साथ रोड मिनिस्टर जो मंत्री परिवहन है ना, वो उनके पास 3 मंत्रालय था, एक हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोला कि मैंने जॉब दिया, मैंने रोजगार दिया। ठीक है, सबसे पहली बात मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर परियोजना जो होता है बिना मुख्यमंत्री के साइन के पास नहीं होता है। ठीक, सेकेंड वो हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर के मामले में हम अपनी जिला की मैं बात बता रहा हूँ, सीतामढ़ी जिला का आप सदर अस्पताल जाके देखिए, वहाँ इंसान नहीं समझिए तो कुत्ता वाला एकदम स्थिति है कि कुत्ता सोए रहता है, इंसान तो छोड़िए दीजिए। तो सरकार आपकी है ना, तो अब तो कुत्ता भगवाइए ना आप जी, बिल्कुल वही चीज है। सीतामढ़ी हम लोगों ने, हमारी सीतामढ़ी की जनता ने ये अब एक निश्चय किया है कि मैं अब देवेश चरण ठाकुर जी को जिताऊंगा। देखिए कोई भी कैंडिडेट आएंगे, 5 साल देखेंगे, अगर नहीं काम करेगा उनका हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है, मैं जानकी जन्मभूमि से बिलोंग करता हूँ, हम लोग की पूरी उम्मीद है। खासकर एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का विकास हुआ, ठीक है, तो उस राम मंदिर के विकास से, मैं अभी हाल फिलहाल में अयोध्या गया था, तो वहां पे देखा इतना डेवलप हो गया अयोध्या, आज से 5 साल 7 साल पहले का अयोध्या और आज का अयोध्या आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे सीतामढ़ी में माँ जानकी जन्मभूमि ऐसे ही पड़ी हुई है, जानकी स्थान पुनौरा धाम, तो बिल्कुल आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने मंच से बोला कि अब पुनौरा धाम को जो है विकसित करेंगे, और यहाँ सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए जो अपना ट्रेन वगैरह है, ट्रेन भी दी है, अमृत भारत ट्रेन भी दिए है कि बाय रोड उनको हम जोड़ेंगे, तो हम लोग को उनसे बहुत उम्मीद है, और देवेश चंद्र ठाकुर जी पे भी बहुत उम्मीद है कि हमारे विश्वास पे, सीतामढ़ी की जनता के विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। इधर आइए, क्या करते इधर क्या कर रहे थे भाई जी, क्या बहुत रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, खंगाल रहे हैं क्या, कि ये जो 2 मुद्दा लेके गए हैं कि मैं मंदिर बनवा दूं और रीगा चीनी मिल चालू करवा दूं, तो भाई इनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं बनवा दूं ये रीगा चीनी मिल और मंदिर, तो भाई हमें बना देंगे MPA। पैसा कहाँ से लाइएगा आप, ये मैं जानता हूँ ना, वो जैसे बनवाएंगे जैसे मैं भी बनवा दूंगा। हाँ भाई मैं बनवा दूं तो
क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ भाई। कहाँ घर है? यहीं पे बथनाहा तहसील पड़ता है हमारा। अच्छा, बथनाहा पड़ता है। कौन गांव है बथनाहा? गांव है हरियरपुर। हरियरपुर। तो चीनी मिल बनवाने का हिम्मत है आपके? हाँ भाई, बनवा दूँ मैं चीनी मिल, इतना दिमाग हमारे पास है। हाँ, ना मैं कैसे भी बनवा दूँ, एक महीने में खड़ा करवा दूँ, वो बनावे एमपी हमें। तो एमपी बनने के लिए नॉमिनेशन करना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है, तो नॉमिनेशन करना चाहिए ना आपको? चुनाव ना भाई, उम्र ना है अभी। मैं ये एमपी बनिए, पैरासूट से एमपी थोड़ी बनिएगा ना। बात तो ठीक से, अभी हमारी उम्र ना है, लेकिन ये बोल रहा हूँ ना, जो मुद्दा लेके गए कि भाई इसके हिसाब से तो इनके एमपी बन रहे हैं ना, दो मुद्दे से, तो भाई दो मुद्दे से हमें बनवा दे, नहीं तो हमारे घर में से वो इनके जो एज मिस है ना उनके पार। अगली बार जब चुनाव होगा तो आप भी नॉमिनेशन भरिएगा। अगर ये लोग नाकाम रहते हैं मंदिर बन क्या नाम है रीगा चीनी मिल बनवाने में, तो आप बनवा दीजिएगा। क्या कहते हैं आप? क्या देखा आपने? पूछ क्या रहे हैं? रैली में आए थे यहाँ, देखिए क्या देखा, क्या समझा है, कुछ काम की बातें? देखिए ये रैली वास्तव, हाँ तो रैली देखिए, ये रैली बीजेपी का रैली विकासात्मक रैली होता है, यहाँ विकास की बात की जाती है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ सभी तबके के लोग आते हैं और सबका एक ही विचारधारा था कि राष्ट्र को प्रगति के लिए की ओर जाए, यही विचारधारा है। और जिस प्रकार बीजेपी ने विगत वर्षों में आपने देखा किस प्रकार आपने कार्य किया है राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, और जिस प्रकार आपने देखा कि देश में सबसे बड़ी हमारी समक्ष चुनौती थी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती थी, और हमने राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस प्रकार कार्यप्रणाली के साथ संचालन किया है कि हमने राष्ट्रीय उत्पादन करने लगा, हमने राष्ट्रीय जो तकनीक होता था उसको विकसित किया है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हेल्स इंडिया हेलीकॉप्टर्स बना रही है, ये सब क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। और आत्मनिर्भर भारत कब बन रही है? जब एक अच्छा लोकतांत्रिक सरकारें आ रही है, मजबूत सरकारें आ रही है, तो राष्ट्र का पहचान देख रहे हैं, विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। भाई भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि अभी भाई मैं ना हो, यही ठीक से यही बात है, यहाँ पे बोलना कोई नहीं चाहता, समझते सारे हैं। जो फोरवार्ड है ना, अभी बता रहा हूँ मैं फोरवार्ड से ना हूँ, ईबीसी से हूँ। जो फोरवार्ड है ना वो बीजेपी को वोट करे से, और जो इसके नीचे से है ना वो पार्टी अपना अपना, जो आरजेडी से कांग्रेस से इनके नीचे वाले से। भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि आप मुद्दा से ये क्यों हो, आप बोल रहे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। भाई जब मोदी नाश है ना उनसे पहले कांग्रेस है, मैं बात बता रहा आपको, कांग्रेस के समय में भी हेलीकॉप्टर आया तो तने ना मालूम के। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, और उस इनको बता दिया घोटाला। हाँ घोटाला नहीं, वो फोर्स क्या था, ये वो फोर्स क्या था, 2G घोटाला क्या था? मतलब ये ऐसा घोटाला था ना कि देश को विकासात्मक की ओर बढ़ने से इतना नीचे गिरा दिया गया। बात है जिस समय अदर देश में 4G चल रहा था, वहाँ देश में 2G घोटाला हो रहा था। और देखिए नेट क्रांति का प्रतीक है, तो अब उनको बड़ी कर दिया कोर्ट। अरे बड़ी कर दिया है, बता रहे बफोर्स घोटाला, बहुत सारे घोटाला। हम कहते घोटाला का कच्चा चीटा खोला जाने तो कांग्रेस के इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास है उनके पास छिपा हुआ घोटाले का। इलेक्टोरल बोर्ड घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा चंदा लिया गया, क्या राम मंदिर घोटाला नहीं है? ये राम मंदिर नहीं, राम मंदिर पे नहीं, बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड, मतलब जिसके यहाँ ईडी, जिसके यहाँ ईडी रेड मारती है उससे चंदा लेती है, तो फिर क्या है? इलेक्टोरल बोर्ड, देखिए इलेक्टोरल बोर्ड कुछ नहीं, स्वैच्छिक दान है भाई। आपने जिसके यहाँ हम रेड मारेंगे उसी के यहाँ दान लेंगे, इसके यहाँ से क्यों नहीं लेंगे, उसके यहाँ से क्यों नहीं लेंगे? अरे आज देश में बताइए, आज देश में केजरीवाल पे ईडी का छापा हो रहा है? नहीं नहीं, केजरीवाल की बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, हम आप पुलिस आपके यहाँ आके दबिश देती है और आप फिर पुलिस के यहाँ चंदा भेजते हैं, तो क्या है ये? आप ही से चंदा क्यों लेंगे? इनसे क्यों नहीं, इनसे क्यों नहीं, हमसे क्यों नहीं? ये भ्रामित खबर है, ये ऐसा खबर भ्रामित है, पूरा रिकॉर्ड है इसका, रिकॉर्ड है। तो ऐसे तो हर पार्टी कहता है कि मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं है भाई, ये सब भ्रामित करने वाली खबरें है। वास्तव में वास्तविकता से इसको नहीं लिया गया, लिया गया है, मगर स्वैच्छिक चंदा है। आपने, मैंने बोला ना, मैं भी मैं कहा कह रहा हूँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ ईडी सीबीआई का रेड पड़ता है उसी के यहाँ से चंदा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ आपको, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा क्यों? मैं ये जानना अरे वो चंदा दिया स्वैच्छिक रूप से दिया, उसे लिया थोड़ी जा रहा है जबरदस्त। आपको हम कह रहे हैं चंदा दे दीजिए राम मंदिर पर, चंदा आपको कभी नहीं दी, नहीं दी। आप सुरक्षित हो, मेरे मेरे अब बता रहे हम, मेरे उस प्रकार के योग्यता और क्षमता नहीं हो ना, हम भी अगर मेरे पास क्षमता अगर होता ना, इस अगर क्षमता बोलते हैं कि चंदा वाली बात है, जो गाय के माता मानती है, माता को कटवा कटवा कर 250 करोड़ चंदा ली है, तो माँ के ही कटवा कर 250 चंदा ली, तो इनसे पूछिए क्यों चंदा ली है, कटवाया गया है चंदा, 250 करोड़ चंदा, हाँ पूछिए 250 करोड़। यूपी में जो आप बीफ कारोबारी की बात कर रहे हैं, 250 चंदा ली कि नहीं ली है गाय काटने वाली कंपनी से? देखे हो, देखे न्यूज पर, देखे हैं न्यूज पर, देखा रिकॉर्ड होता है, चंदा वाली बात को आप झुठला नहीं सकते, पूरा रिकॉर्ड होता है, देखिए देखिए जाके चैनल पे जाके न्यूज पर देखिए, ये गलत दिखाएंगे अभी जो हम बोले, नहीं तो आप बात आप मान रहे कि देश के मीडिया अभी वर्तमान में अगर भ्रामित जो अभी खबरें चलेगी सरकार की ओर उन्मुख होकर चल रही है देश की सारी मीडिया, तो वो मीडिया अगर इस प्रकार की खबरें, सारी मीडिया से हमको क्या लेना, हमको तो जो आप बोल रहे हैं वो दिखाना है, अरे नहीं इसमें कोई कटिंग छटिंग नहीं था, ऐसा था ही नहीं। अरे जिस झूठ बोल रहा है, इस राष्ट्र में गो को प्रतीक माना जाता है, राष्ट्र माता के प्रतीक के रूप में उसको देखा जाता है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, हम बात इस पर करना चाहते हैं चंदा पे,
चंदा नहीं लिया गया था सर। हम अरे भैया के पास तो हो सर, भैया के पास तो है ना, अरे भैया के पास आप ऑन कर आप ही दिखा दीजिए ऑन कर रिकॉर्ड कौन सरकार की है कौन ये थोड़ी ना एक मिनट रिकॉर्ड दिखा दीजिए मैं बता रहा हूं यहां पे इन्होंने घोटाला के बारे में बोला ठीक है घोटाला के बारे में घोटाला के बारे में प्रियंका गांधी का जो हस्बैंड सरकार पलटेगी ना तो भारत के पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो जेल में बंद रहेगा हमारा ये दावा है एक मिनट ठीक है हमारा ये दावा है अगर नहीं पलटेंगे तब उसे आप तुमने तुम तो पूरा विपक्ष का मुद्दा लेकर यहाँ पे आ गए हुआ है कि हमको ये चीज बोलना ही बोलना है तेजस्वी यादव जैसे की बोलना ही बिल्कुल इंडिया भाई एक मिनट ऐसे हाथ इंडिया सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई एक बात मैं बोलूँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ इंडिया अच्छा पहले आप बोल लीजिए तो मैं इसके जवाब कहाँ गड़े आपका जी मेरा सीतामढ़ी जिला में लग तो नाराई साहब ये दरभंगा जानते हैं कैसा बात करते हैं भाई भाई यहाँ पे ना दिन दहाड़े में गाय का मीट मिलता है मालूम है आपको मैं कॉल इस बात विवाद विवादित विवादित बात विवादित बात विवादित बात नहीं करना है विवादित बात नहीं करना है विवादित बात जहाँ योग्यता नहीं होता है ना वहाँ सांप्रदायिकता वाला विवादित बात नहीं करना मैं नहीं बोल रहा सांप्रदायिकता वही उपजता है जहाँ योग्यता क्षमता नहीं आप क्या करते इससे पहले केंद्र में मोदी और बिहार में योगी हमको बिहार में तेजस्वी यादव चाहिए हम जनरल है भाई जनरल में जात कोई होगा ना भूमिहार है बाभन है इन्होंने बोला कि मगर हमको चाहिए नीतीश कुमार अच्छा नहीं देखिए नीतीश कुमार का कार्य प्रणाली उन्होंने विकासात्मक की सबसे नई ऊंचाई छुई थी बिहार मगर अभी बिहार में कैसे लोगों को रोजगार चाहिए क्योंकि मेरा भी पिताजी को इन्वेस्टमेंट कर रहे रोजगार के लिए रोजगार केंद्र सरकार नहीं देगी अरे केंद्र सरकार देगी रोजगार हम बता रहे मगर हमको बिहार सरकार से भी तो अपेक्षा है ना हमें बिहार सरकार से ज्यादा अपेक्षा है क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा ना कि बजट डेफिसिट ये दिखाइएगा ये सही है कि झूठ है ये मेरा मेरे राष्ट्रपति जी मतलब खड़ा है ये दोनों बैठे रहेंगे सही झूठे बताइए आपसे पूछते हैं ये गलत है तुम्हारा हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं एक मिनट ए भाई रुको ना गलत है एडिट करके ला भाई साहब एक मिनट आपका नाम क्या है सो बताइए आकाश कुमार आप सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं पर्सनल सीतामढ़ी में कहाँ से हैं सीतामढ़ी में हरियापुर बदना है सीतामढ़ी ठीक है बदना है ठीक है मैं एक बात हरियाणा में हरियाणा रहता तो मैं लैंग्वेज उधर की सीख रहा हूँ तो ये ना क्या करते हरियाणा में फौज की तैयारी करे सुराम सिंह यादव के यहाँ इन्होंने बोला राष्ट्रपति नहीं गया फौज में भाई लग गो ना फौज में लग गो तो ये है ना सरकार बीजेपी की इसकी वजह से मैं ना लग फौज में सच ही बता रहा भाई तू बता रहा तेरे पास संपत्ति होगी अग्निविनाश है भाई मैं परमानेंट था परमानेंट की तैयारी करता था इसके चक्कर में ना माँ बहन हो गई मारी मैं तो मैं फौज में रहता भाई ये सारे बात ठीक से मारी पेपर कैंसिल हो गो फिजिकल भी होगो मेडिकल भी होगो पेपर कहाँ गयो भाई पेपर तो होनी चाहिए मैं फेल हो जाता अलग बात था पेपर कैंसिल पेपर होनी चाहिए उसके बाद मारी नसीब खराब हो गई मैं दो बार मेडिकल तीन बार मेडिकल आउट हो गए लास्ट भर्ती से अगर मैं ना लगा ना तो भाई अगर एक एक मैं सब बात मान लूंगा अगर कोई एससी एसटी का बंदा आके बीजेपी को वोट करे ना उस दिन मैं मान लूंगा हमारी द्रौपदी मुर्मू नहीं गई वहाँ मंदिर में भाई द्रौपदी मुर्मू और ये उसने बस मतलब कि बड़े लोग बड़े कास्ट के लोग है हमारे राष्ट्रपति को वहाँ पे नहीं बुलाया गया राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पे है इस बात का जवाब ले लीजिए भाई साहब ने बोला कि राष्ट्रपति एक मिनट मेरी बात नहीं बुलाया गया मैं वही बात का जवाब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ भाई साहब ने बोला कि कोई भी एससी एसटी है मैं तो सबसे फर्स्ट की जाति बात नहीं करता मैं इंसान हूँ भारत का नागरिक हूँ मेरे लिए सभी कोई है मैंने इससे पहले भी बोला था कि अर्जुन राय के बारे में उन्होंने अच्छा काम किया था है ना मैंने बोला था कि नहीं कि भाई साहब ने बोला कि एससी एसटी की बात किया कि एससी एसटी जो है एक मिनट जवाब लीजिए बोलिए नहीं एससी एसटी के बारे में बोला कि एससी एसटी मोदी जी को वोट नहीं देते हैं सबसे फर्स्ट रॉन्ग बात सुन लीजिए बात बोले हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा सेकेंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारे अभी भारत के राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर नहीं जाने दिया गया ठीक है एक मिनट भाई जवाब लो तुम पढ़ाई करते हो तुम बोलते हो कि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हूँ सबसे फर्स्ट जनरल कंपटीशन में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है आज से एक सप्ताह पहले का न्यूज उठाकर देखो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू